बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूके की मशहूर फ़िश बनाएंगे। यहाँ पे बहुत खाई जाती है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। जब भाई जाते हैं तो यही फ़िश एंड चिप्स लेके खाते हैं। इसमें मैं ना थोड़ा सा वो लहसुन और अजवाइन डालूंगी, वो पाकिस्तानी टच दूंगी, तो वो उससे ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लेकिन वो ये अजवाइन और लहसुन नहीं डालते। सबसे पहले ना मैंने आपको बताती हूँ कि आधी चम्मची मैंने अजवाइन की ले ली है, एक चम्मची मैंने ये लहसुन अदरक की ले ली है, ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा हाफ चम्मच, और ये टाटरी है जो सी है वो हाफ चम्मच लिया है। और ये अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये जो सी है ना टाटरी और जो बेकिंग सोडा है ना वो इसमें डालूँगी। ये और थोड़ा सा नमक, हसबे ज़रूरत, ज़्यादा नहीं डालना, हसबे ज़रूरत डालना है। ये देखिए बस हसबे ज़रूरत डालना है। और इसमें ना पानी डालना है 4 चम्मच, मैंने ना प्लेन फ्लावर के लिए है, प्लेन जो मैदा नहीं होता सादा वो वाला, वो लिए हैं 4 चम्मच। और इसमें मैं पानी डाल के ना तो इसको ना हिलाती जाऊंगी। ये देखें आप, ये देखें कितना पानी डलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ये इसको लाते रहना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है ताकि ना इसकी ना प्रॉपर पेस्ट बन जाए। ये फूलेगा क्योंकि सोडा है, सोडा फूलता है, जो बेकिंग पाउडर है वो भी फूलता है, लेकिन वो उतना नहीं फूलता जितना ये फूलता है। ये देखें 4 चम्मच में आपने ये पेस्ट बनानी है। ये देखें ये इस तरह की, इसको ना फेंटेंगे थोड़ी देर, इसको फेंटना है। फेंटने से ये एक जैसी हो जाएगी और इसको ना थोड़ी देर के लिए रख देना। उसके बाद ना ये जो सी है ना, मैंने फ़िश ले ली है, फ़िश के जो कोल्ड फिश है वो ली है, इस पर मैं जो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना वो लगाऊंगी ताकि ना इसकी जो फ़िश की स्मेल होती है ना, हम लोग नहीं खा सकते, हमें पसंद नहीं आती ऐसी फ़िश जिसमें कि लहसुन और अदरक ना लगाओ। ये लोग जो घर में बनाएं और वो इस तरह खा सकते हैं, जो स्मेल पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी ये डिश है बनेगी और उन्हें मज़ा भी आएगा। ये देखिए ये लग गई है, और मैंने ना टच देने के लिए ना इसको ना जो है थोड़ी सी लगा दी है। ये देखिए जैन के बहुत फ़ायदे हैं, हाजमा भी है, और ये तो सबको पता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है उनको इन चीज़ों का, बल्कि अब तो गोरे भी ये सारी चीज़ें खाते हैं, वो इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल, हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये अब रेडी है, ये थोड़ी देर पड़ी रहे, उसके बाद मैं फिर आगे प्रोसीजर करती हूँ। ये देखें ये इसको ना अच्छी तरह फेंटना है, ये मैं फिर आपको बता रही हूँ कि इसको अच्छी तरह फेंटना है। जो स्वादी फिश खाना चाहते हो ना, तो फिर ये जो चीज़ा ध्यान देना देना, ये यूके की सब तो मशहूर फिश है, हर जगह पर लगी हुई है, जिते तुसी चले जाते हो ये उत्थे ही लोग बना के खाते ने, बाजार जो जाते हैं। इधर मैं ऑयल रख दिता है गर्म होने लिए, तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। ये मैंने अब पंजाबी का टच दिया क्योंकि साहब कई लोग कहते हैं कि आपको पंजाबी नहीं आती, लेकिन ये कि वो अपनी मादरी ज़बान है, उर्दू पंजाबी ये हर किसी को आती है, इसलिए अब पंजाबी भी बीच में मैं बोलती हूँ ताकि जो हमारे बड़े हैं, जो लोग नहीं बोल सकते या नहीं समझ सकते, हमारे अभी भी बड़े लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि उनके हिसाब से भी बोला जाए। इस करके ना मैं ना फिश ना
हूँ ये जब ऑयल गर्म होगा तो फिर मैं डिप करके तो वो पावगी। हूँ थोड़ी देर बाद फिर अगे फिर देखने ये देखो ना हूँ मैं ना फिश डिप करके ना ऑयल गर्म हो गया तो वो पावगी ना अच्छी तरह डिप कर लेनी है। देखो ये हूँ ना ऑयल च पा लगे मैं दूसरा पीस भी मैं पावगी तीन चार दफा तुम ना उन्हें डिप करोगे ना तो फिर तुम पता चलेगा कि फिश अच्छी बननी है। फिश तैयार हो रही है देखते हो जाओ मतलब 10 मिनट तो ज़्यादा नहीं ले लिया फिश और छेटी नाला तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी फिश तैयार हो गई है मैंने ना निकालने लगी हूँ वो टिश्यू मैंने बिछा लिया ताकि इसका सारा ऑयल इसके अंदर जाए और अब इसमें मैं ना ये चिप्स ये चीज सभी रेडी होंगे फिर मैं आप बता दूँ क्या करना है। हाँ जी ये देखो चिप्स हो गए ने तैयार हम जरा ऐसी ना ऑयल जोड़ लीजिए तो फिर देखो ये जरा पोशन इन्हें बाजार 8 पाउंड का 850 का मिलता है तो अगर तुम आप घर बना के खाओ तो बच्चे भी राजिए खाते तुम भी खाओ ये बहुत ही टेस्टी बनया है। ये इतों की जड़ी यूके की डिश है ना ये सारे पता है ए, लेकिन असी पाकिस्तानी लोग बेसन वाली बना के खाने हूँ ना जड़ी ये मैंने जी जड़ी है ना ये देखो ये मैं दही लिया 3 चम्मच दही लेना Thank you.
देखो इना लसन है ना जरा यह मैं दही च पा दिता है, दही को अच्छी तरह फेंट लाई तो उस बाद ना ये मैनस ये देखो थोड़ी जी मैनस जिन्ना दही उन्नी मैनस बराबर दी, इन दोनों को अब मैं मिक्स करूँगी। ये देखें ये घर में मैनस और जोकर की जो केचप और इसकी बनती है लहसुन की वो बहुत ही टेस्टी होती है, बाज़ार में भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और ये घर में बना के इसके साथ आप बच्चों को दें बच्चे बहुत खुश होंगे। और थोड़ा सा हम इसमें मिंट डाल दें, मैंने ना वो के मिंट की केचप भी डाल दूँगी अदरवाइज एक कपड़ा। ये देखें या पैसे भी दिख चखेंगे ना तो आपको दूसरी चटनियों से ज़्यादा इसका मज़ा आएगा, आप फिर बार बार घर में बनाएंगे क्योंकि बनानी बहुत आसान है। इसको बनाएं और आपके बच्चे हर चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। ये बस इसको फेंटने ही इसका काम होता है तो आपकी ना तैयार हो जाती है। ये देखिए क्या मज़ा आया माशाल्लाह, वो बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरह बना के अपने बच्चों को दे, माओं को फिक्र रहती है लगी रहती है कि हमारे बच्चे बाहर का ही खाना खाते हैं, बाहर चले जाएं तो बाहर से लेके खाते हैं, इस तरह आप उन्हें बना के खिलाएं तो आपको भी सुकून आएगा, आपके बच्चे भी पेट भर के खाएंगे और जब मर्ज़ी इसको बना के खिलाएं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ, दुआओं में सदा याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें। और ये जो मैनस और योगर्ट की चटनी मैंने बनाई है ये बहुत टेस्टी बनी है, ये जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और इसको ज़रूर घर में बनाएं। और दुआओं में सदा याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें और अब हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और लाइक कीजिए।